हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं, जिस तरह से थंबनेल पे भी आप देख रहे होंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंटर परीक्षा 2020 हिंदी के 3 चैप्टर यानी 1 वीडियो में, तो बुक और ग्रामर पर्सन दोनों है। दोस्तों मैं एक वीडियो अपलोड किया था, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव का जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर तक कर लिया था। तो दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स जो है, मेरे स्टूडेंट्स जो है, वो कमेंट करने लगे, सर पहला चैप्टर का कहाँ है, दूसरा चैप्टर का कहाँ है और तीसरा चैप्टर का आप दिए हैं तो फिर आपका छूट गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं सीरीज बाई सीरीज लेकर आया था वीडियो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया, सर इस तरह उस तरह चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो पर तीनों चैप्टर का, मैं एक वीडियो पर, अगर जो वीडियो देख चुके हैं तो उसका रिवाइज हो जाएगा और दोस्तों उसको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा लाने का यही मकसद था कि एक ही वीडियो बनाना तीनों चैप्टर का। अगर आज मैं अपलोड करूंगा तो आज मैं सोच रहा था कि किस विषय से वीडियो लेकर आए। अगर आप लोग जिस विषय पर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उसी पर वीडियो अपलोड करूँगा और सुबह जो है 6 बजे मैं इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना, बार बार मैं बोलता हूँ, अगर लाइक करिएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं और भी इस तरह के वीडियो बना सकूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी रामवृक्ष बेनीपुरी, जिस तरह से आप राइट साइड में देख रहे होंगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, क्या है, मंगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था, यानी क्या नाम था? तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर यानी भगोलिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, क्या है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी नंबर यानी रामवृक्ष को कलम का जादूगर कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पत्र का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने नहीं किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी हिंदुस्तान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी ने नहीं लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी मानसरोवर, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने नहीं लिखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कौन सी पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी ने नहीं लिखी है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी कफन नहीं लिखी है। तो ये पहला चैप्टर को हम लोग बिल्कुल जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी रमेश सिद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, कौन सी पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? बी नंबर यानी कुरुक्षेत्र जो है, इसका रामवृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग, कौन सी पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी यशोधरा नहीं है इनमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंगर की विधा बताएं, मंगर की विधा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी शब्द चित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मंगल का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काला कलूटा जादूगर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगल की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सितुआ। दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर का आपको शायद बोरिंग होगा, लेकिन हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं मैं वो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि मंगर को खाने के लिए घर से कितनी रोटियां मिलती थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, 1 रोटियां ही मिलती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंगल का स्वाभिमान कैसा था? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी गरीबों में स्वाभिमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पाठ में आया है विपदा अकेली कब रही? तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी मंगर। सेकेंड चैप्टर के हिंदी जो भी कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 21 जुलाई 1980। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पे, क्या है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी लम्ही वाराणसी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रेमचंद्र का जन्म किस आर्थिक वर्ग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी निम्न एवं मध्यम वर्ग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से चैप्टर बाई चैप्टर हम लेकर आएंगे। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र की नहीं थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी रश्मीर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद्र ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 300 कहानियाँ लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेमचंद्र की कहानियाँ कैसी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी आदर्शोन्मुखी यथावार्थवादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंच की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य किन चीज़ों से मुक्त हो जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कैसी मित्रता थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी गहरी मित्रता थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुके हैं, जुम्मन के पूज्य पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुमराती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्या है, अगलू के पिता के अनुसार विधा कैसे आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी गुरु के आशीर्वाद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गुरु जुमराती के अनुसार विधा कैसे आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोंटे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जुम्मन शेख की घर की बूढ़ी मौसी का क्या नाम था? तो जुम्मन के घर में जो रहती थी बूढ़ी मौसी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खालाजान, उसका खालाजान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसकी उक्ति है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहेंगे? तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी खालाजान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पाठ में आया है, हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता? तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी पंच परमेश्वर ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पाठ में आया है, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है और बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी पंच परमेश्वर जी ने कहे हैं और उसके पाठ में आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पाठ में आया है कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है? तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट भी, इसका भी राइट आंसर है पंच परमेश्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र जो है। तीसरा चैप्टर यह व्याकरण से कुछ पढ़ेंगे, तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस बी नंबर यानी 1907 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, आज अगर वीडियो अच्छा लगता है इस तरह से लाइक जरूर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या, फर्रुखाबाद। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर फर्रुखाबाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो आ चुकी है, शायद आप लोग पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन, बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव किस कवि पर सबसे अधिक पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि महादेवी वर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देख पा रहे होंगे आप लोग शायद। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की कौन सी किताब नहीं है? तो अब यहाँ पर किताब देखिए, चार किताब दिया हुआ है, चारों में से आप कौन सी किताब नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी रश्मिर्थी, ये महादेवी वर्मा का किताब नहीं है। तो इसका राइट आंसर यानी रश्मिर्थि, यानी ये तीनों जो है, ये तीनों किताब है, आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा स्किप करके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, क्या है, महादेवी वर्मा कौन सी पुस्तक नहीं है?
तो वह महादेवी वर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग भी देख सकते हैं, या ए बी सी डी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकेत। तो इसका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, साकेत। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना यार। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं। तो आ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देख सकते होंगे ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी डायरी साहित्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में व्याकरण के पूछेंगे आंसर क्वेश्चन, जो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अभी भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। गाए करुणा की कविता है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सही राइट, यानी महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, क्या है? लालमणि किसका नाम था? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, लालमणि किसका नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी बछड़े का, एक बछड़े का जो है गाय का बछड़ा, उसका नाम था लालमणि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे चैप्टर को रीडिंग मारने के बाद जो ऑब्जेक्टिव यानी इंपॉर्टेंट लगा है वो क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है? गाय का निधन कैसे हुआ? तो गाय का बेचारा का निधन हुआ कैसे हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी गुरमैल लपेट कर सुई खिलाने से जो है गाय की मौत हो गई, यानी निधन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, शायद आप लोग पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, क्या है? गोपालक देश कौन सा है? गोपालक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके पूरी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, क्या है? आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की जो है मीरा कौन है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था बुक पर्सन के पढ़ा दिया, अब हम लोग चलते हैं ग्रामर पर्सन की ओर, व्याकरण की ओर। बुक पर्सन के पढ़ने के बाद हम लोग आए हैं मुहावरे की ओर, यानी व्याकरण हम लोग आज पढ़ेंगे। तो व्याकरण में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? मुहावरे। तो मुहावरे को हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या है कि पहला मुहावरे क्या है? लकीर का फकीर होना। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी परंपरावादी होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है? छठी का दूध याद आना। तो इसका क्या हो जाएगा? छठी का दूध याद आ जाना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी अत्यधिक कठिन होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राधीन सपनी हो सुखनाई। तो इसका क्या हो जाएगा मुहावरे? इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी प्राचीन अभिशाप। पर्यायवाची पढ़ने के बाद अब हम लोग आए हैं विलोम शब्द की ओर। तो विलोम शब्द पढ़ लेते हैं व्याकरण में, क्या है? पहला विलोम शब्द क्या है कि सृष्टि का विलोम होता है। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टि का प्रलय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं और पूरी तरीके से शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है? मुख्य का विलोम क्या होता है? तो मुख्य का विलोम क्या है, यानी मुख्य का जो है उल्टा क्या होता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी गौन। मुख्य का गौन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि क्या है तीसरा? पुरस्कार का विलोम होता है। तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है, शायद आप लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी दंड, पुरस्कार का दंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? संपत्ति का विलोम होता है। तो संपत्ति का विलोम क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो राइट आंसर आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी विपत्ति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो विलोम शब्द पढ़ने के बाद हम लोग अब आए हैं पर्यायवाची की ओर। तो पर्यायवाची शब्द जो पढ़ेंगे, तो पहला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे, शायद आप लोग स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या है पहला क्वेश्चन? पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो पत्थर का सही जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, उसका राइट आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। तो पत्थर का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी पाषाण होता है। क्या राइट आंसर? पाषाण, ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या है?
किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, राइट आंसर डी नंबर, यानी सूर्य, दावा, वाम, वासर। तो ये जो है राइट आंसर नहीं है, इसका गलत है। तो इसका ये जो होगा शब्द का गलत आंसर यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पर्यायवाची शब्द के, सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या है कि अंशुमाली, बी है आदित्य, सी है भास्कर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आज का वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। इसके बाद जो है मैं 100 मार्क्स का इंग्लिश लेकर आऊँगा कल के वीडियो में। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।